टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर हम इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो F.W. टेलर ने जो है 4 इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। कहीं कहीं पर किसी बुक में आपको 6 जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखने को मिल जाएंगे। तो F.W. टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो कि अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने नॉलेज के बेसिस पर 4 इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इन्होंने फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 1874 में एज अ अप्रेंटिस मैकेनिस्ट काम किया था, फिर उसके बाद 1884 में एग्जीक्यूटिव एट मिडिलविल स्टील कंपनी में काम किया, फिर 1898 में बेथलेहम आयरन कंपनी में उन्होंने काम किया था जो कि बाद में बेथलेहम स्टील कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद टक स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि 1900 में फाउंड हुआ था, उसमें एज अ प्रोफेसर उन्होंने वर्क किया। देन 1906 से 1907 के बीच में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में भी वो काम किए हैं। तो ये जो है इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो ये अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इन्होंने जो है 1911 में अमेरिकन मैगजीन आई थी, उसमें जो है मार्च से मई के बीच में अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में उन्होंने बताया था। तो इस सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि बाद में बुक के फॉर्म में जो है वो प्रिंट हुई, पब्लिश हुई। क्लियर। तो पहले उन्होंने मार्च से मई 1911 के बीच में अलग अलग आर्टिकल्स लिखे द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और उसके बाद उसको कंबाइन करके उसका बुक पब्लिश किया गया था, और इसी में जो है टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था। तो द एम वॉज टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मोटिव था, या फिर आप ये कह लें कि अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं तो इससे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है क्या है, गाइडलाइंस है, यानी कि इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। टू इंप्रूव द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए गए थे। तो वो 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वहीं पर अलग अलग बुक में जो है अलग अलग 4 के अलावा 6 भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर 5 देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि जो 5th है दैट इज मैक्सिमम आउटपुट इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट देखने को मिल जाएगा, और वहीं पर 6ठा है प्लानिंग नॉट एडहॉकिज्म। क्लियर। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब सपोज करिए कि लोग कहते हैं कि सुबह उठकर पढ़ने से जो है ज़्यादा अच्छे से याद होता है, लेकिन अब यहाँ पर लोगों के कहने की वजह से आप मत पढ़िए सुबह उठ के। आप पहले अपने आप को देखिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, आप उसको स्टडी करिए। आप सुबह जल्दी उठकर जो है पढ़ाई कर पाते हैं, या फिर रात को लेट जो है जग कर आप पढ़ाई कर पाते हैं, या फिर आप दिन में पढ़ाई कर पाते हैं। तो आप अपनी स्टडी करिए, और अपनी स्टडी के बेसिस पे जो है बेस्ट मेथड को आपको सेलेक्ट करना है, बेस्ट टाइम को करना है कि आप कब जो है अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। तो कोई लोग सुबह उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई लोग शाम को, कोई लोग दिन में पढ़ाई कर पाते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। तो आपको अपने लिए बेस्ट मेथड चूज करना है थ्रू साइंटिफिक, यानी कि मैनेजमेंट करते वक्त आपको साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ करना है, ना कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको साइंटिफिक तरीके से वहाँ पर जो है बेस्ट मेथड चूज़ करना है, डिसीजन मेकिंग करना है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, या फिर हिट एंड मिस मेथड कर रहे हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे ही जो है आप किसी को वर्क डिवाइड कर रहे हो, कोई मेथड बता दे रहे हो किस तरीके से काम करना है वो बता दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको साइंटिफिक मेथड यूज करना है। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दैट कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, यानी कि आप मेथड को स्टडी करो, आप टाइम को स्टडी करो, आप वर्क को स्टडी करो, और इनको स्टडी करने के बाद प्रोसेस को स्टडी करो, उनको स्टडी करने के बाद जो है आप बेस्ट मेथड को, बेस्ट वर्क को, बेस्ट टाइम को सेलेक्ट करिए। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट practices and developing a standard method which would be followed throughout the organization। यानी कि साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप स्टडी करोगे, और फिर जो है बेस्ट मेथड जो होगा उसको सेलेक्ट करोगे, और फिर वो सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वही मेथड जो है आप वहाँ पे उसको फॉलो करवाते हैं। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी और आउटपुट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप जो है अपने एक्सपीरियंस, कॉमन सेंस के बेसिस पे वहाँ पर काम मत करिए। क्लियर। तो आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ करिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हो गया कि मैनेजमेंट में साइंस साइंस का यूज़ होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का यूज़ होना चाहिए, रूल ऑफ थंब यूज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि अगर जहाँ पर भी 5, 6, 10 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर होता है चांस होता है कि उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, और अगर डिस्प्यूट हो गया, मनमिटाव हो गया, ग्रीवियंसेस आ गए, तो वो फिर आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे और इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो हैम्पर करेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स है, उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, यानी कि अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो देयर ऑलवेज existed the possibility of a kind of class conflict, the managers versus worker, यानी कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबिलिटी होती है कि जो मैनेजर हैं और जो वर्कर्स हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन द वर्कर, द मैनेजर और द फैक्ट्री ऑनर्स, यानी कि टेलर के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ना ही वर्कर को फ़ायदा होगा, ना ही मैनेजर को फ़ायदा होगा, ना ही फैक्ट्री को ऑनर को फ़ायदा होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि टाइम का भी लॉस होगा और रिसोर्सेज का भी लॉस होगा। तो टेलर एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी, यानी कि गुड रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। तो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्कॉर्ड होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, तो उससे जो इंडिविजुअल का लॉस होगा वो तो होगा ही, साथ ही साथ फैक्ट्री ऑनर्स का भी लॉस होगा, वहाँ पर कोई भी किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा डिसएग्रीमेंट से। टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर। तो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के साइड से मेंटल रिवोल्यूशन करना होगा, यानी कि उनको ये माइंड में प्रिपेयर करना होगा कि डिस्कॉर्ड से, डिसएग्रीमेंट से किसी का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, वर्कर का भी नुकसान होगा, मैनेजमेंट का भी नुकसान होगा। भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है और वर्कर जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो वर्कर जितने दिन स्ट्राइक पे जाएंगे उतने दिन के लिए उनका भी नुकसान होगा, मैनेजमेंट का भी नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होता है। तो मेंटल रिवोल्यूशन लाना होगा। आपको स्ट्राइक पर जाना है तो कोई दूसरा ऐसा टेक्निक आप अपनाइए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान ना हो, आपको भी कोई नुकसान ना हो, मैनेजमेंट को कोई नुकसान ना हो, और साथ ही साथ आपका काम भी हो जाए। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग इन सच अ सिचुएशन, इवन ट्रेड यूनियन विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। और जब अगर मेंटल रेवोल्यूशन होगा, मैनेजमेंट और वर्कर की थिंकिंग अलग होगी, तो इस केस में जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो थर्ड पार्टी होती हैं वर्कर्स की, वो भी जो है स्ट्राइक पर नहीं जाएंगी। टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर। क्लियर। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए इन जापानीज कंपनीज में क्या होता है कि देयर इज कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कंप्लीट ओपननेस है, ओपन कम्युनिकेशन वहाँ पर होता है। तो अगर वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाना भी होता है तो वो ब्लैक बैच पहन लेते हैं और ब्लैक बैच पहनकर वो काम करेंगे, जो नॉर्मल वर्किंग आवर होगा उसमें वो काम करेंगे, जिससे कि उनको सिंपैथी मिले मैनेजमेंट का। तो ये तरीका होता है, यानी कि आपको स्ट्राइक भी करना है लेकिन काम को बिना रोके हुए, जिससे कि आपको कोई लॉस ना हो, मैनेजमेंट को कोई लॉस ना हो और ना ही ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस हो। क्लियर। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि एम्प्लॉई, मैनेजमेंट, वर्कर्स, इनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। डिस्कॉर्ड यानी कि डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे, डिस्कॉर्ड से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कई बार होता है कि हम लोग ग्रुप में होते हैं लेकिन हम अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, ना कि ग्रुप का फ़ायदा देखते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैनेजर्स भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, लेबर भी काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पर डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। मिलजुल कर जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, अपने अपने गोल को अचीव नहीं करना है। क्लियर। तो देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। वहां पर सभी वर्कर्स को, मैनेजर्स को, लेबर को यहां पर रियलाइज करना होगा कि वो लोगों को एक दूसरे की नीड है। भाई कई चीज़ें ऐसी होती है जो मैनेजर्स को पता होती है, लेबर को नहीं पता होती। कई सारे ऐसे टेक्निक होते हैं, मेथड होते हैं, काम होते हैं जो कि लेबर को पता होता है, मैनेजर्स को नहीं पता होता है। तो इसलिए दोनों को ये रियलाइज करना होगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों को मिलजुल कर वहां पर काम करना होगा। इफ़ एनी important decisions are taken, workers should be taken into confidence, यानी कि अगर कोई भी मैनेजमेंट जो है डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो उस केस में वर्कर को वहाँ पर उनको बुलाना चाहिए, उनसे सजेशंस लेने चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, यानी कि हम ये काम करने वाले हैं, आप ओके हो इससे। तो इससे वर्कर्स को भी लगेगा कि हाँ, उनसे जो है वहाँ पर पूछा जाता है, उनका जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है। तो वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। और अगर मैनेजमेंट जो है वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा रही है तो सेम टाइम पे वर्कर्स शुड डेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड ऑन द मैनेजमेंट। यानी कि ऐसे सिचुएशन में वर्कर्स को भी वहाँ पर, ये नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट ही कॉपरेशन दिखा रहा है, वर्कर्स को भी कॉपरेशन दिखाना चाहिए, वर्कर्स को भी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए, कोई भी अनरीजनेबल डिमांड जो है वहाँ पर मैनेजमेंट से नहीं करना चाहिए भाई। कॉपरेशन तभी होगा ना कि मैं ही सिर्फ कॉपरेट करता हूँ, सामने वाला कॉपरेशन ना करे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर कॉपरेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट पार्टीज़ हैं सभी को कॉपरेट करना होगा। वैन देर विल बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गुडविल देयर विल बी नो नीड फॉर इवन अ ट्रेड यूनियन। और जब ओपन कम्युनिकेशन होगा एम्प्लॉय के मैनेजर्स के बीच में, वर्कर्स और लेबर के बीच में, तो इसमें जो थर्ड पार्टी होती है ट्रेड यूनियन, उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं होगी। तो कॉपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब कॉपरेशन के लिए जरूरी है कि वहाँ पर इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बिटवीन दी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। All the day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging and smoothing the way for them। यानी कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं दोनों के बीच में इक्वल वर्क होना चाहिए डिवाइड, और साथ ही साथ मैनेजमेंट वर्कर के साथ लगातार काम करते रहें। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स के साथ ही साथ रहें, वर्कर ही काम करेंगे। जो ग्राउंड लेवल का काम होता है वर्कर्स ही करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनको हेल्प करे, उनको गाइड करे, उनको इनकरेज करे, उनको मोटिवेट करे, इस तरीके से साथ ही में काम करते रहें। तो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेलर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें पता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो 50 यूनिट्स पर डे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हम उससे जो है सिर्फ 40 या फिर 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो क्या आप उसका ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी यूज़ कर रहे हो? नहीं। हमें पता है कि अगर इसको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा तो ये और ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ पर आपको उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यही प्रिंसिपल ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है उसको उस एफिशिएंसी तक जो है डेवलप करिए। तो यहाँ पर जो है टेलर ने कहा कि ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। सबसे पहली चीज़, जब आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो उसको साइंटिफिकली सिलेक्ट करिए। यानी कि आप चेक करें कि आपको किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, आपके पास क्या जॉब वैकेंसी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आ जाओ कोई भी आ जाओ, मैंने जो है वहाँ पर मशीनरी चलानी है और आप जो है नॉन टेक्नीशियन एम्प्लॉय को जो है आप वहाँ पर रिक्रूट कर ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मशीनरी चलानी है तो उस मशीन से रिलेटेड जो है एम्प्लॉय को ही वहाँ पर सिलेक्ट करिए। देन वर्क असाइंड शुड सूट हर और हिज फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। यानी कि जो भी आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम दीजिए। तो जैसा कहा कि आपने जो है हायर किया है एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट को, आप उससे काम करवा रहे हो इंजीनियरिंग वाला, तो ये जो है यहाँ पर वो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी या प्रॉस्पेरिटी आपको वहाँ पर नहीं ला कर देगा। तो जिस पर्सन के पास जो कैपेबिलिटी है, जो उसके पास पावर है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर उसको वर्क असाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। अब सभी एम्प्लॉय को, सभी वर्कर्स को वहां पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मशीनरी चेंज हो गई वहां पर भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई वहां पर भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करनी चाहिए। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। और अगर आपका एम्प्लॉय एफिशिएंट होगा, उसके पास सारी ट्रेनिंग होगी, नॉलेज होगा, कैपेबिलिटी होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रोड्यूस करके देगा गुड्स एंड सर्विसेज, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करवाएगा, यानी कि प्रॉफिट गेन कराएगा। दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। यानी कि अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे, मोटिवेट करोगे, डेवलप करोगे, उसको जो है साइंटिफिकली सेलेक्ट करोगे, तो इससे जो वर्कर है वो तो अपनी जो नीड है वो तो फुलफिल करेगा ही, साथ ही साथ कंपनी की भी जो है नीड फुलफिल करेगा, कंपनी के लिए भी प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे। दैट इज फर्स्ट था साइंस नॉट रूल ऑफ थम, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा कुछ बुक्स में आपको जो है डिफरेंट ऑथर्स ने बुक लिखी है इसके ऊपर, तो वहाँ पर जो है 5th पॉइंट ऐड कर लेते हैं, दैट इज मैक्सिमम आउटपुट इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। यानी कि आपको पता है कि एक एम्प्लॉय 60 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है पर डे, तो उससे जो है 60 यूनिट प्रोड्यूस कराइए, ये नहीं कि सिर्फ 30 या फिर 20 यूनिट प्रोड्यूस कराइए। तो मैक्सिमम आउटपुट जो पॉसिबल हो वो जो है वहाँ पर आपको वहाँ पर आउटपुट जो है जनरेट करवाना है। एंड कहीं पर 6th जो है प्रिंसिपल होता है दैट इज प्लानिंग नॉट एडहॉकिज्म। यानी कि आपको जो भी काम करना है मैनेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्लान करके करिए, एडहॉकिज्म के बेसिस पे नहीं। यानी कि जब आएगी कोई सिचुएशन तब हम देख लेंगे, ऐसा नहीं, पहले से ही प्लान करके जो है चीज़ों के लिए तैयार रहिए। तो प्लान इज नॉट एडहॉकिज्म। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वहीं पर कुछ अलग बुक्स में 6 प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।